हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हम पूरी फैमिली खेलने वाले हैं हाइड एंड सीक, वो भी हमारे नए घर में। तो पूरी फैमिली को, सबको छुपना है इस घर में। तो फर्स्ट टाइम पूरी फैमिली हम खेलने वाले हैं हाइड एंड सीक, तो देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है, वो भी हमारे नए घर में। सबसे पहले करते हैं मिले मिले साथी बे मिला चोर। तो पांच का ताला बंद, चलो जाओ। एक दो तीन चार, एक जनवर आ जाओ। चलो मिले मिले साथी बे मिला चोर, चलो। हाँ, आप दोनों गए। अरे यार, दोनों भाई बाहर हो गए, आउट हो गए हम। गाइस बस गए, हम आउट नहीं हो रहे। आओ अम्मा, आओ आओ मम्मी, एक जना और। ठीक है, मिला मिला साथी मिला चोर, दोबारा। अरे क्या कर रहे हो, बीच में दोबारा। मिला मिला साथी बे मिला चोर, बाबू और बाबू और मुकुल वाली, क्या कर रहे हो। मिला मिला चाची और मैं, हां चाची और मैं गए। मिला मिला साथी बे मिला चोर, फिर क्या यार, क्या कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूं। चलो मिला मिला साथी बे मिला चोर। चलो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ 100 गिनूंगा, आप सबको छुपना है। सुनो, मतलब सिर्फ घर के अंदर ही छुपना है या अगल बगल में? नहीं, घर के अंदर ही छुपना है, सिर्फ घर के अंदर। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, उधर मुंह करके। चलो मैं करूँ स्टार्ट? चलो करो करो। चलो एक दो तीन, अब हम जा रहे हैं सबके साथ, छुप रहे घर के अंदर। चलो 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 चलो। अम्मा क्या कर रहे हो, वो रिजॉर्ट दवा गिन रहे हो। अम्मा दादी जी, चलो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। पापा जी यहाँ छुप गए रसोई के अंदर। यहाँ पर पता क्या, यहाँ पर बर्तन धोने गए पापा जी, यहाँ छुप गए। 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। आ जाऊँ क्या भाई? अभी तो कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ काम करने वाले दिख रहे हैं। भाई पूरे 9 जने हैं, तो कोई भी ढप्पा कर सकता है, मुझे केयरफुली जाना पड़ेगा। भाई कहाँ छुप गए सारे के सारे, जबकि पूरा खुला घर है, कहीं पर छुपने का है भी नहीं, बट फिर भी नहीं दिख रहा कोई। कोई बात नहीं, मिल जाएंगे धीरे धीरे। अबे यार मैं दोबारा जा रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कह रहा था बहुत मुश्किल है, बिकॉज भाई 9 जने हैं, तो कोई भी धप्पा कर सकता है मुझे। मैं आ रहा हूँ। यहाँ से कोई तो दिखा, कुनाली, आइस पाइस कुनाली। अरे कोई और भी था। कुनाली इधर आ, मेरे पास आओ। पापा कहाँ छुप गए हो भाई? भाई बढ़िया जगह है गाइस, वैसे यहाँ जगह बहुत कम है छुपने की, बट हाँ फिर भी हम छुप जाएंगे। और एक काम करेंगे, जब भैया ऊपर आएंगे ना, तब हम एकदम से नीचे भाग जाएंगे। मम्मी, अरे वाह मम्मी, आ चुकी है, देखो। मैं ढूंढ रहा हूँ आपको बहुत देर से। क्या क्या, धूप भी आ रही है यहाँ पे भाई। मम्मी मैं छुपी, यहाँ धूप भी आ रही है, देखो। चल जी आइस पाइस। चलो भाई, दो तो पकड़े गए, कोई नहीं है। भाई कहाँ चले गए सभी? उसके पीछे कोई है। अबे कोई तो था। बोल दिया। तीन पकड़े गए। मम्मी, चाची, बड़े पापा और बाबू और अम्मा रह गए बस। अरे बड़ा पा, अरे हाँ मैं इधर देख रहा था, आपने किया क्यों नहीं? और आपको पता ही नहीं धप्पा मारना होता है? पक्का नीचे। दादाजी आइस पाइस, दादाजी आ जाओ, निकल जाओ। भाई साहब, दादाजी कितनी मुश्किल जगह पे छुपे थे, देखो। कोई दिखा? नहीं। अम्मा आइस पाइस। तेरे मम्मी और चाची रह गए भाई। चाची आइस पाइस। भाई साहब, मम्मी कहाँ छुपी है भाई? सिर्फ मम्मी नहीं मिल रही, बड़ी मम्मी आइस पाइस। क्या, पहले बोल दिया मैंने। पहले कौन हुआ था? पहले कुनाली हुआ था, कुनाली मिठाई आएगी अब। कुनाली इधर मुंह करना, मत करना। चलो गिनो सारे, सबका नाम बोल ही नहीं पाएगा वो। किसका नाम लेगा? हाँ और सारे एक साथ। आने दो उसको, आने दो। आ जा। नाम लेना होता। आ जाओ। पाँच आइस पाइस।
देख लिया, आपको भी देख लिया। अम्मा ऐसे मत करो यार, आप इतना डेंजरस काम मत करो। कोई बात नहीं, गेम ही तो है ये। अम्मा देखना यहाँ से जा रही है। कहाँ है दादाजी? दादाजी यहाँ पे है। चलो बारी पीयूष की, पीयूष जाए देगा तो देखते हैं, पीयूष ढूंढ पाता है नहीं। कुनाली आ जाओ, जा पूरे 100 गिनी हो पूरा। वैसे गाइस मजा तो बहुत आ रहा है फैमिली के साथ में खेलने में। बचपन के दिन याद आ गए, बचपन में खेलते थे ना। अबे यार इसने वहां से देख लिया। दूर से नहीं होता धप्पा, धप्पा टच करना पड़ता है। कुछ भी नहीं कुनाली, सच्ची शायद सिर्फ मैं बचाऊंगा, बस सिर्फ मैं। लेकिन पीयूष को पापा ओए आउट हो गया, आउट हो गया, फाइनली हो गया आउट। अरे वाह फाइनली। यहाँ क्यों बैठो? धूप सेक रहे हैं। वाह, मैंने एक चीज नोटिस किया, हमेशा दादाजी हमेशा अलग बैठते हैं, दादाजी साथ में नहीं बैठते फैमिली के। हमारे दादाजी को अकेले रहना पसंद है, इस तरह से अकेले बैठना। गाइज आज जो बड़ी मम्मी छुपी है ना भाई, लास्ट तक भाई ढूंढ ही नहीं पड़ता कहाँ चली, कभी नीचे कभी ऊपर। अब अनबॉक्सिंग करते हैं फाइनली। ये मैंने दोबारा से मंगाया था, आपकी बार सही आया हो बस। हाँ आपकी बार सही है। इसके अंदर ना 8 सॉकेट हैं, एक में कैमरा लगेगा, एक में ड्रोन लगेगा, एक में मेरी वॉच चार्ज होगी, एक में फ़ोन चार्ज होगा, एक में दूसरा फ़ोन चार्ज होगा, एक में लैपटॉप, एक में 360, एक में GoPro, मतलब सारे चार्ज होंगे एक साथ में। और साथ में 6 USB पोर्ट भी हैं इसमें, तो ये मेरे को चाहिए था। तो अब मैं करता हूँ लंच, लंच में खा रहा हूँ खिचड़ी। तो भी गाइस सर आए थे हमारे घर पे, हमारे घर का वास्तु देखने के लिए। बिकॉज हम जो घर बना रहे हैं ना, वो पूरा वास्तु के हिसाब से बना रहे हैं कि भाई मेरा रूम कहाँ पे होना चाहिए, किचन कहाँ होनी चाहिए, और सबसे मेन मंदिर कहाँ होना चाहिए, कौन सा एरिया कैसा होना चाहिए, बिकॉज वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, जय श्री राधे। मेरा नाम आशीष ढींगरा, सक्षम एस्ट्रोविजन लुधियाना से। आज हल्द्वानी में सौरभ जी के घर पे आए हैं, वास्तु देखने आए हैं, और बड़ा सौभाग्य का दिन है। और एज पर वास्तु मैं आपको सबको यही, जितने सौरभ भाई के फॉलोअर्स हैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि वास्तु हमारे जीवन में हमें जीरो से हीरो बनाता है। 5 एलिमेंट्स हैं, 5 तत्वों को बैलेंस करना होता है, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। यदि ये बैलेंस होंगे तो हमारा वास्तु बैलेंस होता है। इसलिए आज यहाँ आए हैं और बड़ी खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सर ने बहुत कुछ बताया हमको हमारे घर के बारे में। तो हमारे घर का मतलब वास्तु सही है ना? बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ो, बस यही तरक्की करो, ग्रो करो। सो एक छोटी सी टिप, जब पूरा घर बन जाएगा और ग्रोथ के लिए और तरक्की के लिए, घर में पॉजिटिविटी के लिए, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई बीमार ना हो, उसके लिए एक छोटी सी टिप है आपके लिए कि पूरा घर बन जाएगा तो रोज़ शाम को 2 कपूर 2 लौंग उनको जला करके बर्न करके पूरे घर में घुमा देने हैं। और इस एरिया में ये आपका अग्नि कोण है घर का, अच्छा वहाँ पर आपने रख देने हैं। जितनी देर वो जलेगा बर्न होगा वो आपके लिए पॉजिटिविटी के लिए, ठीक है? थैंक यू। चलो खुश रहो। आपके घर में सबसे बेस्ट चीज़ लगी हमें कि जो जिस दिशा में, अगेन वही बात, मैंने 5 एलिमेंट्स की बात करी, जल वायु अग्नि पृथ्वी, कि जल की दिशा में जल है, वायु की दिशा में वायु है, और जो बड़ों का कमरा जहां बनाना चाहिए वो इन्होंने परफेक्टली वहां बनाया है, और किचन सबसे बड़ी जहां खाना बनता है, जहां से सबका भरण पोषण होता है, सबने खाना खाना होता है, वो इनका परफेक्टली अग्नि जोन में बना हुआ है। और ये इस घर की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी लगी, बड़ी पॉजिटिव एनर्जी। ये पितर होगा जी जो चले गए इस दुनिया से, जो लोग हमारी इस दुनिया चले जाते हैं बड़े बुजुर्ग, वो हमारे पितृ देव बनते हैं। तो इनकी फोटो घर में पितरों की एक दिशा होती है, वो यहाँ पे लगानी। आपके घर की दिशा ये है, ठीक है सौरभ जी? ठीक समझ आया आपको? ठीक है। जो आपका ये एग्जिस्टिंग हाउस है जहाँ आप रह रहे हो, उसमें भी ये छोटे छोटे चेंजेस करने की जरूरत है। और सबका दिमाग ठीक रहे, सबसे बड़ी बात, किसी एक का भी दिमाग परेशान हुआ तो सारा परिवार परेशान हो जाता है, ऐसा ही होता है। छोटे छोटे चेंजेस करो। ये फोटोज आपकी ठीक है, बढ़िया लगी हुई है। इस फोटो को यहाँ लगा दो, और आते जाते माथा टेक के नमस्ते जी जा रहा हूँ, नमस्ते करके लगे, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद है, उनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े। तो अब सर जा रहे हैं, सर ने हमको हमारे तीनों घर का बता दिया, इस वाले घर का बता दिया, इस वाले घर का बता दिया, और जो नया घर बन रहा है उसका बता दिया। क्या पूछ पकड़ी जैसा काम करता है, देखिए।
कैसे भागा रे खाली कैसे भागा तो अभी गाइस आ चुके हैं मस्त गर्मा गर्म बर्गर पूरी फैमिली के लिए। लो कुनाली खाओगे? नहीं। लो मम्मी खाओगे? ये खाऊंगा कौन जी हैं? खाता कोई बात नहीं मैं खा लूंगा उसका, हमारी अम्मा भी खाएगी बर्गर। लो बाबू ये वाला साहिल का है, तो मैं यहाँ पे आया था साहिल को बर्गर देने के लिए। और ये देखो साहिल मस्त गिटार लेके बैठा हुआ है, ये डेली प्रैक्टिस करता है यहाँ पे। तो अब करते हैं डिनर, छोले एंड रोटी साथ में। खाना पीना हो चुका है, अब चलते हैं अपने रूम में। तो अभी आ गया हूँ रूम पे, फिलहाल मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ, स्लो करता हूँ। एंड आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्यों मेरी वजह से क्या हुआ है? क्यों दिखा रहे हो व्लॉग में उसको? क्या अभी टच क्यों नहीं किया आपने? दूर से क्यों बोला हैं? देख क्या रहा है ऐसे? गलती तो आपकी है ना? मेरी गलती हाँ। है क्या गलती है मेरी बताओ।